प्रश्न तो बड़ा सुंदर है और ये सोचने वाली बात भी है, क्योंकि संतों का महत्व तो अधिक इसीलिए बताया गया है कि संत जब आपके सामने होते हैं तो मन का लगाव करने का प्रयत्न आपको नहीं करना होता। आपको एक काम करना होता है, उनके पास जाकर के बैठ जाए। उनके पास बैठने पर अपने आप भगवान में प्यार बढ़ने लगता है, अपने आप मन रीझने लगता है भगवत विषय में। लेकिन जैसे जब लोहे को आग में डालो, वो गर्म हो जाता है, उसमें कुछ देर के लिए आग का धर्म आ जाता है, चमकने लगता है और ताप भी हो जाता है, लेकिन कुछ देर उसको आग से दूर कर दो तो फिर ठंडा हो जाता है, फिर उसी प्रकार हो जाता है। ऐसे ही ये जीव जितनी देर संत महात्माओं का संग करता है, फिजिकल प्रैक्टिकल, तो उस संग से उसके भीतर कुछ देर के लिए भगवत गुण आ जाते हैं। दीनता भी बढ़ गई, नम्रता भी बढ़ गई, सहनशीलता भी बढ़ गई, भगवान के लिए आंसू भी आने लगे। लेकिन जब वो चले गए, जितनी बातें सुनी सब भूल गया। ये नेचुरल नियम है हम लोगों का, इसलिए ये ना हो। आपको इसीलिए ये सत्संग का माहौल दिया गया। मैं अगर चाहता तो केवल प्रवचन करके चला जाता, आप लोगों से कहता आप अपने घर में एकांत साधना कीजिए, लेकिन इसीलिए ये सत्संग का माहौल बनाया गया है कि आप सब जुड़ करके जैसे महाराज जी ने नियम बताए हैं साधना के, उसी तरह से साधना करें। और मैं ये भी मानता हूँ कि महापुरुषों की वाणी में बड़ा कमाल होता है। महाराज जी की वाणी भी ऐसी है कि अगर कोई अर्थ ना भी समझ पाए और केवल आवाज ही सुने तो आवाज सुनने भर से उसके अंतःकरण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ बात भी चल रही है कि मेरे जाने के बाद महाराज जी का 10-15 मिनट का लेक्चर भी चलाया जाए कीर्तन में, ताकि आप लोग आए तो उसका भी असर आप लोगों पर पड़े। और मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ बैठ करके प्रवचन देता हूँ तो आप लोग मुझे माने। हाँ, मेरी बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी 100%, क्योंकि इस समय मैं ही प्रैक्टिकल रूप में आपसे कर्म करवा रहा हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं, यहाँ युगल सरकार बैठे हुए हैं, ये आपका निरीक्षण करते हैं। आप जो यहाँ बैठ करके साधना करते हैं, ये लोग देखते हैं, ये लोग नोट करते हैं हम लोग कितनी साधना ठीक ठीक कर रहे हैं। हम लोग नहीं आ रहे हैं तो आप लोग मुझे बेवकूफ बना सकते हैं, इनको बेवकूफ नहीं बना सकते। इसलिए ऐसा मान करके कि ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है, अगर हम लोग इसमें भावना कर लें कि महाराज जी हैं और ठाकुर जी हैं तो वो सचमुच में है, ऐसा मान करके जब कभी मन ना भी लगे, आप आंख बंद करके भगवान का ध्यान नहीं बना पा रहे, मन बड़ा चंचल है, आंख खोल लीजिए और इनकी तरफ देखिए। इनकी तरफ देखने से अपने आप प्यार उमड़ेगा। ठाकुर जी की तरफ देखिए, ठाकुर जी देख रहे हैं हम साधना नहीं कर रहे हैं, कितना खराब लग रहा है इनको। ऐसी भावना बनाइए, अपने आप हृदय पिघलेगा, अपने आप हृदय से उनसे कनेक्शन महसूस होगा, वो प्यार बढ़ेगा। इसलिए कोई मैं जो आपके लिए आता हूँ, वो केवल महाराज जी के जो सिद्धांत हैं वो फिर से हमारे दिमाग में जागृत हो जाए, इसलिए आता हूँ। मेरे आने से आपके भीतर महाराज जी से प्यार बढ़ेगा, इसलिए आता हूँ। और फिर मेरे जाने के बाद इस चीजों को आप समेट करके रखें। देखिए, संतों की वाणी के लिए बार बार उपदेश दिया गया है कि जो हम लोग सुनते हैं उसकी फिर आवृत्ति करें, घर में जाकर के सोचे आज के दिन ऐसा ऐसा हमने सुना था तो ऐसा ऐसा हमको करना है। फिर इसके बाद अगले दिन नोट करें कि हमने जो सुना था उसका कितना परसेंट हमने पालन किया। अगर पालन किया तो खुशी हो भीतर से, और अगर नहीं किया तो ग्लानि हो, ये फीलिंग हो कि आज हमने उपदेश के अनुसार वर्क नहीं किया, कल से हम इस उपदेश के अनुसार वर्क करेंगे। और ये लंबे समय तक हम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं बीच बीच में आता भी रहता हूँ, आपके मन में ये आशा भी जगा रखी है कि मैं कभी भी आ जाऊँगा, तो इसलिए आपके भीतर उत्साह भी बना रहेगा कीर्तन करने का, सत्संग करने का। कुछ अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए या कोई ऐसी संशय आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसके समाधान के लिए मैं हूँ। और उसके अलावा जो साधना महाराज जी ने बता रखी है,
आज हमारे पास सबसे बड़ी निधि महाराज जी के वो सिद्धांत, वो ग्रंथ, वो साहित्य, उसमें महाराज जी ने पूरे विस्तार से बता रखा है कि किस तरह से हमको प्यार करना चाहिए। अगर हम लोग इतने भी काबिल नहीं है कि महाराज जी के प्रवचन सुन करके उसको समझ सके, तो केवल कीर्तन ही हम लोग गाएं तो उससे भी अपना बहुत लाभ हो जाएगा। सोचिए, महाप्रभु जी के समय में तमाम कीर्तन नहीं होते थे, उन्होंने केवल एक नियम बना दिया था कि हरि नाम संकीर्तन करो, हरे राम 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 हरे हरे, बस यही कीर्तन चलता था। लेकिन उस समय लोगों की निष्ठा इतनी पक्की थी गुरु के प्रति कि गुरु ने ये उपदेश दिया है कि हरि नाम संकीर्तन करना है तो यही करेंगे। ऐसे ही हम निष्ठा पूर्वक, जैसे हमारे गुरु ने रूप ध्यान बता रखा है, ऐसे रूप ध्यान करने का, आंसू बहाने का प्रयत्न करें, और जब आंसू ना आए तो आंख खोल करके गुरु की तरफ या ठाकुर जी की तरफ देखें और उससे फिर फील करें, उनके स्वरूप को ध्यान से बारीकी से सोचें और उसके बाद वैसा ही स्वरूप बनाते जाए। या हमको कोई अपना कोई स्वरूप पसंद हो तो अपने मन से कोई स्वरूप बना ले ठाकुर जी का और उसका ही हम लोग ध्यान करने लगे। तो इसलिए जब हमको प्रैक्टिकल संग ना मिले तो मन का संग हम लोग करें। ये करना मुश्किल है यद्यपि, लेकिन असंभव नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश, लेकिन जो है जाको भावता, सोता ही के पास। मेन संग शरीर का नहीं होता, मेन संग मन का होता। अगर आप लोग यहाँ बैठे बैठे भी अपने घर के बारे में सोच रहे हैं तो भगवान ये नहीं नोट करेंगे कि आप सत्संग कर रहे हैं, भगवान ये नोट करेंगे कि ये घर के काम कर रहा। इसलिए मेन मन है और मन को ही हमको लगाने का प्रयत्न करना है। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि जितने दिन यहाँ आपको सत्संग मिलता है उतने दिन चाहे प्राण निकल जाए आप आने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि कौन सी बात हम सुने और कौन सी बात हमारे हृदय में लग जाए और हम लोग भगवान की भक्ति करने लगे। अरे कोई हो, जब तक वैराग्य की सीमा तक नहीं पहुंच पाता तब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जब तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने डांटा कि तुम्हारी इस हार्ड मास के शरीर में जितनी आसक्ति है, अगर उतनी आसक्ति तुमने राम में कर ली होती तो अब तक राम मिल गए होते, तो उससे टॉप लेवल का वैराग्य उत्पन्न हुआ। जब भरत ने कैकेयी को डांटा तो उससे उसको अपनी ग्लानि का अनुभव हुआ, अपनी गलती का अनुभव हुआ। तो ऐसे ही जब कभी हमारे हृदय में कोई बात ऐसे चुभ जाएगी, पिंच कर जाएगी, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, हम संसार में इतना समय गवा रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इतना सत्संग का माहौल भी मिल रहा है और बार बार हमको बुलाया भी जा रहा था, फिर भी हम आलस कर रहे थे, अहंकार दिखा रहे थे। एक महाराज जी ने पद लिखा है, समय हो तो बलवान सखी सुन, समय हो तो बलवान। एक दिन गोपियां कहती हैं कि एक दिन वो था कि ठाकुर जी आते थे और हम इतराते थे, हमको नहीं देखनी तेरी शक्ल, और आज मरे जा रहे हैं, मथुरा में बगल में बैठा है लेकिन जा नहीं सकते मिलने के लिए। अतएव हम लोगों को ऐसी फीलिंग करनी चाहिए, हमारे सब संयोग बने, महाराज जी जैसा गुरु भी हमको मिला और फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो पाया, कितने दुर्भाग्य की बात है। ये फील करेंगे तो अपने आप इस सत्संग का इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे और जितना महत्व तो हम लोग समझेंगे भगवत विषय का, उतना ही अधिक हम लोग उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए महाराज जी की जो धरोहर है, जो सिद्धांत है, जो कीर्तन है, उसको बड़े प्रेम से अपने पास रखें और पूरी निष्ठा से उसको निभाने का प्रयत्न करें। इससे प्रेम भी बढ़ता जाएगा और जो यहाँ साधना के नियम है कि मौन रह करके आपको साधना करनी है, यहाँ वहाँ नहीं देखना क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं रखना है, सामने की तरफ आपको देखना है, कीर्तन पढ़ना है और कीर्तन का ध्यान बना करके फिर मुख से गाना है, क्योंकि हम लोग कई बातें एक कान से सुनते हैं दूसरी कान से निकाल देते हैं। इसलिए जब उसको दोहराएंगे तो दोहराने से वो बात मन में पक्की तरह से बैठ जाएगी। इसलिए गाना भी जरूरी है, साथ में ध्यान बनाना भी जरूरी है, और ये करते करते फिर अपने आप ध्यान बनने लगेगा।
पहले आपको परिश्रम करना पड़ेगा, फिर ये नेचुरल होने लगेगा। जैसे जब कोई पहले पहले खाना बनाना सीखता है तो क्या क्या लिखा है, पहले इतना कप पानी डालो, इतना चम्मच चीनी डालो, इतना नमक डालो, इतना हल्दी, बड़े ध्यान से। और जब एक्सपर्ट हो गया है, ये उठाया वो उठाया, बना दिया, तुरंत तैयार हो गया, कोई मेहनत उसको महसूस नहीं होती। तो कोई काम शुरू शुरू में किया जाए, मेहनत महसूस होगी, लेकिन जब मन भगवान में लगने लगेगा तो नेचुरल ध्यान बनने लगेगा। महापुरुष लोग गंदी से गंदी जगह में बैठे रहते हैं लेकिन मन का ध्यान भगवान में रहता है, उनको उस जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी खैर वो अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो हम आशा रख सकते हैं कि एक दिन वो अवस्था हमारी भी हो जाएगी। उसके लिए प्रयत्न करते रहना है। जैसे जब आदमी एक छोटा सा बीज लगाता है और अंकुर निकलता है तो उसकी पहले रखवाली करता है, कहीं कोई पैर ना रख दे, इसको धूप भी ठीक ठीक मिले, पानी भी समय से मिले। लेकिन जब वो बड़ा पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, अब डरता नहीं है, अब तो चाहे उसमें हाथी बांध दो, अब पेड़ नहीं गिरेगा। तो ऐसे ही जिस दिन हमारी साधना परिपक्व हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो हमको डरने की जरूरत नहीं होगी। फिर चाहे कितना ही संसार का विकार विषय हमको मिले, लेकिन तब तक सतर्क रहना है और साधना करने के लिए उत्साह भीतर से भरना है। साधना करने में लापरवाही नहीं करनी है, बस इतना सा संकल्प हम लोग कर ले, हमारा काम बन जाए। आशा करता हूँ संतोष हुआ होगा। कहाँ गए श्रीमत सतगुरु सरकार की।